सूरत शहेरना डिंडल विस्तारमां कायदा व्यवस्थानी स्थिति कथळी होय ते रीते एक पछी एक हुमलाओ थता जवानुं सामे आवी रह्युं छे। त्यारे तारीख गत 15मीए डिंडोली विस्तारमां चोरीना मोबाइल फोन वेचवा आवेला लुखा तत्वोए एक 20 वर्षीय युवक पर तीक्ष्ण हथियारो झीकीने हुमलो कर्यो हतो। जे युवकनुं सारवार दरमियान करुण मौत निपजता परिवारजनो शोकमां गरकाव थई जवा पाव्या छे। सूरतना डिंडोली विस्तारमां हाल असामयिक तत्वो बेफाम बन्या छे। डिंडोली पोलीस અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ડિંડોલીનો સર્વેલન્સ સ્ટાફ ઊંઘતું હોય તેમ લાગે છે, કારણ કે રોજે રોજ ગુનાખોરી વધી રહી હોય અને અનેક અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ હાલ ડિંડોલી વિસ્તારમાં ધમધુકાર ચાલી રહી છે। ત્યારે હવે તો અસામાજિક તત્વો હત્યા સહિતના ગુનાઓ આચરતા પણ ડરતા ન હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। ત્યારે ડિંડોલીમાં 20 વર્ષે યુવકની હત્યાથી ચકચાર મચી ગઈ છે। ચોરીનો મોબાઈલ વેચવા આવેલા લુખા તત્વો યુવાનની હત્યા કરી હતી। ચપ્પુના ઘા ઝીકાયા હતા। ગત 15મીએ ચપ્પુના ઘા ઝીકીને યુવાનની હત્યા કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે। युवक ने गंभीर हालत में हॉस्पिटल खसेड़ायुं हतुं। सारवार दरमियान युवक नुं मौत निपज्युं छे। तो परिवारजनों पुलिस नी ढीली कामगीरी लईने रोष व्यक्त कर्यो हतो। साथे ज पुलिस हत्यानो गुनो नोंधी आरोपीने वहेलामां वहेली तके झड़पी लेवामां आवे तेवी मांग करी छे। नाम जितेंद्र प्रजापति, समस्या का लाड़ी लगाता हूँ। 15 तारीख की बात है, भाई दोज के दिन लाड़ी लगाया था। वो लोग लाड़ी पे मोबाइल बेचने के लिए आए तो मैंने डायरेक्ट उनको ना बोल दिया कि मैं खरीद नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप चोरी का मोबाइल यूज करते हो, बेच रहे हो, मैं नहीं ले पाऊँगा। तो वो लोग झगड़ा कल दिन झगड़ा करने लगे मेरे साथ, गाली वाली देने लगे। तो मैं अपने परिवार वाले को फ़ोन लगाया, वो लोग लाड़ी पे आए वो, हाँ। और फिर वो हाथापाई करने लगे तो मेरे बीच वाले भतीजे को चाकू मार दिया हाथ में। तो फिर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट किया तो उन लोगों को, दोनों जनों को, अपराधियों को जेल में लेके गए। तो हमारे दो भतीजे और एक बड़ी भाभी पुलिस स्टेशन में ही थे और हम लोग 5 जन लाड़ी पे थे। मेरा सबसे छोटा भतीजा जो एक्सपायर हो गया है वो मेरे पास ही था और उसको चाकू मार दिया, बहुत भयंकर, ख़त्म हो गया। वो दारू का धंधा अंधा करते हैं, वही नमा गाँव डिंडोली ने कैलाश नगर चौकड़ी नमा गाँव के अंदर फरियाद किया। मेरा फरियाद ये है कि उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। नाम 3 जन का जानता हूँ, एक का नाम सुमित है और एक डब्बा है और एक का नाम RP है। वो लोग सब दारू का धंधा, ये सब पूरी गैंग चलाते हैं, वो सब अपने साथ में गैंग लेके आए थे। हाल तो डिंडोली વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બની રહ્યા હોય ત્યારે ઢીલી કામગીરી કરી રહેલ ડિંડોલી પોલીસ મથકના ભ્રષ્ટ વહીવટદાર અને સાથે સાથે સર્વેલન્સ સ્ટાફનું વિસર્જન કરી બાહોશ પોલીસ કર્મચારીઓને ડિંડોલીમાં મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। અસસેટા સાથે અઝર કુરેશી।